GCF ऑफ 1, 5 एंड 20, और इसको दोस्तों हम HCF भी कहते हैं। हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने प्राइम नंबर से हम इनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के प्राइम नंबर मैंने लिखे हैं, 2, 3, 5, 7। देखो, इसमें आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 3 का डिवाइड हो रहा है कितना, 5 टाइम। 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम। तो यहाँ पे 1, 5 के आपके फैक्टर के आगे देखो 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया। ठीक इसी तरीके से इसमें 2 का डिवाइड किया कितना, 10 टाइम। इसमें अगेन 2 का डिवाइड किया कितना, 5 टाइम। 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम। यहाँ पे 20 के फैक्टर देखो इस तरह से मिल गया आपका। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, उस बात को समझिए। हमें यहाँ पे निकालना है आपका GCF। करेंगे क्या, एक सिंपल सा प्रोसेस करना है। पहला स्टेप यह हो गया, फैक्टर करना है। दूसरा स्टेप, इन दोनों की जो कॉमन फैक्टर है उसको लेना है, यानी ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो। कौन है दोस्तों, एक आपको 5 ही मिला है, यानी एक फैक्टर ऐसा है जो कि दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसको आप ऐसे इससे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म याद करो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर ऐसा। तो इसका आपका कितना निकल गया, GCF 5 निकल गया। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपना HCF भी कहते हैं। थैंक यू।